नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। बीते दिनों रांची के रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से जमीन से जुड़े दस्तावेज की चोरी होती है। अब इसी को लेकर राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आज प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में सरकारी कार्यालय से चोरी हो जाता है और उनका सीधा आरोप है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस मामले को लेकर होटवाल जेल में बंद है, कहीं ना कहीं ये जो जमीन की दस्तावेज चोरी हुई है तो उनसे ये तार मिलता जुलता नजर आ रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं प्रतुल सहदेव, सुनिए। अमूमन हम भी जानते हैं कि वर्षों लगा देती है किसी जमीन के रिस्टोरेशन में, वर्षों वर्षों तक मामला चलता है। लेकिन 9 जनवरी 2024 को जो मामला टेकअप हुआ, फाइल भले ही पहले हुआ हो, लेकिन 9 जनवरी 2024 को यह मामला टेकअप हुआ। साहब बिजली की स्पीड से 29 जनवरी 2024 को जिस दिन मुख्यमंत्री जी के घर में ईडी का वो दबिश हुआ था और ये तमाम चीजें हुई थी, ये रिस्टोरेशन का ऑर्डर आ गया। एसएआर कोर्ट का आज तक के अपने इतिहास में 20 दिन में किसी केस के डिस्पोजल करने का रिकॉर्ड ही नहीं रहा। तो ये सब किसके इशारे पे हो रहा था? और एक ये चीज हमेशा कहते हैं कि साहब हेमंत जी का नाम कहाँ है? तो जो इनके कर्मचारी हैं, जिन जो अभी भानु प्रसाद अंचल बड़गाई के कर्मचारी थे, उनके पास से एक पेपर सीज हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, ये देखिएगा। इसके शुरुआत में अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसे बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ये रैयत का नाम है। ये रैयत का नाम पंजी 2 में इन्होंने खाली छोड़ दिया था, यानी रैयत का नाम भरने की तैयारी थी और इन्होंने कहा हेमंत सोरेन का नाम भरना था। ये सारा ईडी के चार्जशीट पर है, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ था। ऐसा अमूमन आप कभी देखेंगे नहीं। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ इस तरह की चीज़ें लंबे समय से हो रही थी। तो जिस तरीके से ये कहते हैं कि ये बेनामी जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, साहब इनके ही करीबियों ने बता दिया, इनके ही अधिकारियों ने बता दिया कि ये जो जमीन है ये डायरेक्टली हेमंत सोरेन जी से लिंक्ड है। और हमने तो आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके से इस पर करने की कोशिश थी। अब आप देखें कि आनंद फानन में इस जमीन को लौटाने की भी तैयारी हो गई और लौटा भी दिया गया। अब देखिए, कहते हैं ना कि ये कहते हैं कि नहीं, उस जमीन पर एक राजकुमार पाहन किरदार है जिनका वीडियो अक्सर जेएमएम दिखाती है। राजकुमार पाहन कोई दूध के दूल्हे नहीं है, ईडी के केस में वो एक अभियुक्त है, आरोपी है। उनके बारे में कहा, उन्होंने कहा कि जमीन मेरे कब्जे में थी। देखिए, जबकि संतोष मुंडा जो है ना, संतोष मुंडा के जो बच्चे हैं रोहित मुंडा और खुशबू मुंडा, उन्होंने एक बार सैमसंग टीवी खरीदा और एक बार एलईडी सैमसंग एक टीवी खरीदा और एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। और उसके दो इनवॉइसेस मैं आपको दिखा रहा हूं जो ईडी की चार्जशीट पे है। एक इनवॉइस 2017 का है, दूसरा इनवॉइस 2022 का है। और आपको जानकर हैरत होगी, दोनों में पता जो है वो उसी बड़गाई की भूमि का है। यानी राजकुमार पाहन गलत बोल रहे थे कि ये जमीन उनके कब्जे में है, ये जमीन पर तो संतोष मुंडा रह रहे थे जिनके बच्चों ने ये फ्रिज और टीवी खरीदा था और एड्रेस भी उसी जगह का दिया था। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरीके से अब तो पूरे तरीके से ये एक्सपोज्ड हो गए हैं। राजकुमार पाहन को जमीन पर कब्जा नहीं था, संतोष मुंडा जो थे उनका कब्जा था। वो कब्जा भी नहीं थे, वो केयरटेकर थे हेमंत जी की इस बेनामी संपत्ति के। और मैंने तो आपको रसीद का वो हिस्सा भी दिखा दिया कि जिस तरीके से उसमें एक हिस्सा बचा हुआ था कि उसको ट्रांसफर करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। BMW गाड़ी को लेकर भी तरह तरह की बातें हुई। ऑन कैमरा ईडी के सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं 28 जनवरी 2024 की रात को अपने निवास से अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी से निकल गया, अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी के बाद। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि वो खुद स्वीकार रहे हैं अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी। उसके उनके प्रवक्ता क्या कहते थे, खुद मुख्यमंत्री ने कहा अरे साहब हमें पता ही नहीं ये गाड़ी किसकी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी के सामने कैमरे पर स्वीकार किया कि 28 जनवरी की रात को वो निकल गए थे अपनी BMW गाड़ी में बैठकर। उसके बाद ईडी की चार्जशीट में एक हिस्से में यह भी है कि जो इन्होंने शोरूम जाकर, मुख्यमंत्री कोई प्रदेश का जाता है तो सब लोग उसको पहचानते ही हैं, तो शोरूम वाले भी बड़े खुश थे कि ये BMW को सेलेक्ट कर रहा है। तो सब लोगों ने पहचाना और बताया भी कि गाड़ी को पसंद करने खुद मुख्यमंत्री आए थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि ईडी की चार्जशीट के बाद अब तो कोई शक और शिकवा की गुंजाइश ही नहीं होती।
पूरे तरीके से हेमंत सोरेन जी की ये बेनामी संपत्ति थी, ये एक्सपोज्ड है और ये पुलिस का चार्जशीट नहीं है साहब, ये प्रारंभिक चार्जशीट है ईडी का, इसके बाद भी संभवतः वो चार्जशीट करेंगे। लेकिन एक बड़ी घटना जो आज हुई है कि ईडी की चार्जशीट के साथ साथ रिकॉर्ड रूम में डाका डाला गया। अब दोनों के तार जुटते हैं, एक तरफ ईडी चार्जशीट में सारे दस्तावेजों को दिखा रही है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड रूम में पुलिस पहरे के बावजूद सीसीटीवी कैमरा लगा होने के बावजूद सीसीटीवी खराब हो जाता है, पुलिस गायब हो जाती है और डाका पड़ता है, खतियान को लूटा जाता है, रजिस्टर टू को लूटा जाता है। यानी ये अपराध को छिपाने के लिए अभी भी अपराध हो रहा है। हेमंत जी के इस मुद्दे पर खास करके हम लोगों ने आपको सारे तथ्यों से अवगत कराया। हम मुख्यमंत्री जी माननीय चंपई सोरेन जी से फिर आग्रह करते हैं कि साहब आपकी सरकार आज कटघरे में है, अगर आप लोगों ने सीबीआई या ईडी के जांच का इस पूरे चोरी में आदेश नहीं दिया तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि राज्य सरकार इस घटना को लेकर कोई बहुत आक्रामक नहीं है। रिकॉर्ड रूम में डाका और कितने गरीबों को लूटने देंगे। तो सुना आपने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का सीधे तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, ये जो जमीन से जुड़े दस्तावेज की चोरी हुई है इसकी सीबीआई जांच कराए। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होटवार जेल में बंद हैं बड़गाई अंचल के जमीन संबंधित मामले को लेकर, और उनका यह भी कहना है कि उस जमीन के जो केयर टेकर थे उनका ईडी ने बयान दर्ज किया है। तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी सीबीआई जांच हो और सच उजागर हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 22 स्कोप, रांची।